9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तमाम राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए दावा कर रही है कि अकेले बीजेपी ही 370 सीटें लेकर आएगी, तो वहीं एनडीए के खाते में 400 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। तो वहीं इंडिया अलायंस इस वक्त अपने ही विवादों में उलझती हुई नजर आ रही है। कोई नेता जेल में बंद है तो किसी नेता के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है, तो यहां पर दल बदलने का काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सवाल लगातार ये बन रहा है कि आखिरकार इंडिया अलायंस ने जिस संकल्प के साथ इस गठबंधन को तैयार किया, जिन 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इस गठबंधन को बनाया, जो अब तक 27 होते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही यह आंकड़ा और ज्यादा कम हो जाए। सवाल यह है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन किस तरह से लोकसभा चुनाव में एनडीए के इस दावे को झूठा साबित करता हुआ नजर आएगा। नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस को छोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब इस टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम क्या बीएसपी कर सकती है, क्योंकि बार बार कोशिश की जा रही है सपा और कांग्रेस की तरफ से कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सके, ताकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जितने भी आरक्षित सीटें हैं जिन पर दलितों का वोट बैंक कहीं ना कहीं देखा जाता है, उन सीटों को इंडिया गठबंधन के साथ रखा जा सके। लेकिन मायावती साफ कर चुकी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। ऐसे में क्या विपक्षी दल हार मानते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर एक आखिरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है नाराज मायावती को मनाने की, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सिराज हैं। सिराज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सिराज, अगर बात करें मायावती की, 68वें जन्मदिन 15 जनवरी की वो तारीख जब मायावती ने साफ कह दिया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी और ना ही एनडीए के साथ जाएगी, लेकिन मायावती चाहकर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि साल 2004 और साल 2024 के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। तब भले ही बीएसपी ने यूपी पर जीत हासिल की, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्या लग रहा है अपनी नाराजगी को दूर कर क्या यहाँ पर मायावती अपने फैसले को बदल सकते हैं? जी देखिए, राजनीति में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से मायावती ने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि बीएसपी जो है वो लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, और साथ में इस कवायद में मायावती जुट चुकी हैं कि जो हरियाणा और खासतौर पे बिहार और ऐसे जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां से जो छोटे दल हैं उनको जोड़ने के प्रयास में मायावती जुट चुकी है। मायावती के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भले ही मायावती दलितों का नेता के रूप में जानी जाती है, लेकिन आपको समझना होगा कि अभी कुछ खास बड़ा वो जीत हासिल नहीं कर पाई है और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अच्छे ढंग से प्रभावित नहीं किया है। हालांकि दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जो है मायावती को जरूर देखते हैं दलित समुदाय के लोग, लेकिन अभी भी आपको समझना होगा कि मायावती अब वो जीत के लिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। उनको जो जमीनी पकड़ है, कह सकते हैं गांव में जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटे छोटे दल है, जो निर्दलीय दल है, उनसे वो बातचीत कर रही है, उनसे कह सकते हैं अपनी बात रख रही है और उनको समेटने के प्रयास में जुट चुकी है। क्योंकि मायावती लोकसभा चुनाव उनसे बहुत दूर है अभी, क्योंकि अगर आपको कह सकते हैं विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस। कांग्रेस का और जो वर्चस्व है वो पूरे देश में है, क्योंकि कह सकते हैं बीजेपी के आगे कोई टिक सकता है वो है कांग्रेस। लेकिन बीएसपी जो है अभी कह सकते हैं राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, तो अभी 2-3 राज्यों में कह सकते हैं थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग से आपको नई जीत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी शिराज, कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो बीएसपी कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज हैं और इसकी वजह बताई जा रही है बीएसपी की कमजोर रणनीति, और यहाँ पर यह भी कहा गया कि इसमें मायावती की भी गलती है क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर उतना काम किया ही नहीं है, और खास तौर पर जब से पार्टी की कमान यहाँ पर आकाश आनंद को सौंपी गई जो उनके भतीजे हैं, इस बात से भी बीएसपी के कई कार्यकर्ता नाराज है।
तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जितनी जरूरत विपक्षी दलों को मायावती की है, उतनी ही जरूरत कहीं ना कहीं मायावती को भी है इन दलों की? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मायावती जो है अब भारत की राजनीति में, भले ही उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन अब उनका कह सकते हैं उतना रुतबा नहीं है। आप देखें कि वो खुद उत्तर प्रदेश में जो है सपा बीजेपी के आगे जो है वो संघर्ष करती हुई देखी जा सकती है, और दलितों के नेता कही जाती है, लेकिन दलित वोट बैंक भी है वो भी इस बात को समझ चुका है कि अगर हम मायावती को वोट देते हैं तो कहने के उसे अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा होता है। और जिस तरीके से उनके सांसद को जब संसद में गालियां पड़ी उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं लिया, मायावती जो है ट्वीट के माध्यम से राजनीति नहीं होती, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, क्योंकि राजनीति करने के लिए आपको जमीन पे जुड़ना पड़ेगा और लोगों के मुद्दों को उठाने पड़ेंगे। आप महज ट्वीट करके आप कैसे, जब आपके सांसद को संसद में भरी सभा में जो है गाली दी जाती है वो भी ऐसी गालियां, तो आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि अब उसी सांसद को जो है अपने टीम से बर्खास्त कर दिया, ये एक बड़ा मैटर है। वो क्यों किया, वो मायावती का एक अपना डिसीजन है, वो निजी मसला है, उन पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं आकाश आनंद को जो है अपना कह सकते हैं सौंपा है पार्टी, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इस बात को बखूबी समझते हैं कि मायावती भले ही जो है जीत हासिल नहीं कर पा रही है, लेकिन कह सकते हैं पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है, बीएसपी की नींव उन्होंने रखी, तो इसीलिए उनके सम्मान में ये बात जरूर खुलकर आई है। और निश्चित रूप से मायावती अब वो कह सकते हैं दौर नहीं है कि वो जाके ग्राउंड ग्राउंड पे अपनी रियलिटी को दिखा सके। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि दलितों के मसीहा के तौर पर अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को भी देखा जाता है। और जैसा कि अभी आपने कहा भी कि आकाश आनंद को भले ही पार्टी की कमान तो मायावती ने दे दी है, लेकिन आकाश आनंद चीजों को समझ नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। और इस मुद्दे को चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि जब बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी ने बिना किसी राजनीति के, बिना किसी रिश्ते के चलते मायावती को पार्टी की कमान सौंपी, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर आखिरकार क्यों मायावती ने अपने भतीजे को जिम्मेदारी सौंपी, जो बार बार कहती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, भाई भतीजावाद को यहाँ पर बढ़ावा नहीं देती, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकती है? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मायावती अपने वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ भी गठबंधन कर सकती है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया परिवारवाद की, तो आपको समझना होगा कि बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है जो मायावती की पार्टी है, ऐसे में वो किसको कमान देगी? उनके भतीजे अगर राजनीति में सक्रिय हैं, उनको इतनी समझ है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से मायावती ने दिया होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का आपने जिक्र किया कि अभी चंद्रशेखर आजाद का वो रुतबा दलितों के बीच नहीं है जो मायावती का है। मायावती भले ही अभी जो वर्तमान राजनीति है उसमें उनका कह सकते हैं ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन आप उनके कह सकते हैं जो बीते हुए कल है उसको अगर दोहराएं तो मायावती मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में उनकी बराबरी करना, और चंद्रशेखर इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर मैं मायावती के साथ जुड़ता रहूंगा, उन पर टिप्पणियां करूंगा, उनके उनकी बातें करूंगा, तो कहीं ना कहीं उनके जरिए उनको लोकप्रियता मिलेगी, और आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों के मसीहा बनने के जिस कवायद में जुटे हैं शायद उसमें सफलता मिल जाए। तो आकाश आनंद को बनाए जाने की रूपरेखा जो तैयार की है मायावती ने, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई टिप्पणी का विषय है, क्योंकि हर पार्टी के और हर नेता के लोग यही चाहते हैं कि मेरा जो पार्टी है, मेरी जो इसमें कह सकते हैं जो मेरी धन दौलत है, उसमें हमारे परिवार के लोगों का हिस्सा हो। आप गांधी परिवार को देख लीजिए, लालू परिवार को देख लीजिए, बीजेपी में परिवार वाले। लेकिन यहाँ पर शिराज आपको रोकना चाहूंगी, आपने गांधी परिवार का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अगर चाहते तो खुद राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को संभाल सकते थे, सोनिया गांधी इस जिम्मेदारी को संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं चीजों को बदलने की कोशिश की है। तो ऐसे में आखिरकार मायावती क्यों नहीं इस चीज को कर रही है, जबकि उन्हें काशीराम जी ने ये जिम्मेदारी बिना किसी रिश्ते के होते हुए दी थी? देखिए, कांग्रेस ने जो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने से पहले कई सालों तक कांग्रेस ने जो है कह सकते हैं गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है कांग्रेस में, लेकिन अभी मायावती ने तो जस्ट अभी आकाश आनंद को बनाया है। अगर वो राजनीतिक रूप से उतने प्रभाव नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से मायावती इसमें भविष्य में कह सकते हैं कि बदलाव कर सकती है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो उस परिणामों के, बगैर चुनाव के आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि ये काबिल है या नहीं है? वो तो चुनाव में ही पता चलेगा कि आपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में क्या किया क्या नहीं किया। तो रिजल्ट के जो चीजें होती हैं, रिजल्ट पर ही किसी व्यक्ति की, किसी नेता की कह सकते हैं भविष्य को तय किया जा सकता है, ना कि टीका टिप्पणी करके।
वो आखिर में देखिए ये तमाम जो सवाल जिनके जवाब हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब ऐसे में आपको हो सकता है कि यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्यों बार बार चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में मायावती की, कि आखिरकार मायावती का अंतिम फैसला क्या रहेगा। लोकसभा चुनाव में अकेले ही वो यहाँ पर लड़ती हुई नजर आएंगी या फिर आने वाले समय में मायावती को भी किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।